सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल को और ज्वाइन कीजिए हमारी टेक फैमिली को। तो सो कुछ दिनों से कुछ लोगों की एक डिमांड आ रही है भाई MIUI 10 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है बीटा वर्जन में Redmi Note 4 के लिए, इसका नंबर है 8.7.12। उसमें बैटरी परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिलता है और साथ ही साथ रैम मैनेजमेंट है वो किस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड आई इसलिए बना रहा हूं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, पता लगाते हैं किस तरह से हमें बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इस अपडेट में और रैम मैनेजमेंट है वो किस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। सो विदाउट फॉर एनी वेस्टिंग टाइम Let's get started. दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ सबसे पहले कि मेरा इसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो मैं अबाउट फोन में जाता हूँ, अबाउट फोन में जाने के बाद आप लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं मेरा, इसका नंबर है MIUI 10 ग्लोबल 8.7.12 बीटा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बाकी सिस्टम अपडेट में जाके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई लेटेस्ट अपडेट अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, वही चल रहा है जो कि सेम सही है। आप चलिए बात कर लेते हैं इस अपडेट में बैटरी परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिल जाता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस गेम में पबजी गेम खेल रहा था, हालांकि मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। मैं इसके अंदर 3 दिन से लगातार कंटिन्यू पबजी गेम खेल रहा था। पबजी गेम खेलने का मुझे लगा कि मोबाइल थोड़ा सा लैग कर रहा है। अब लैग कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बैटरी परफॉर्मेंस खराब है या फिर रैम मैनेजमेंट खराब है। हालांकि पबजी गेम है ही हाई ग्राफिक्स वाला, मैं थोड़ा सा हाई ग्राफिक्स में नॉर्मल से ऊपर वाले ग्राफिक्स के ऊपर खेल रहा था, तो थोड़ा सा मोबाइल लैग होना वो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं भाई कि मोबाइल इतना हीट क्यों हो रहा है, मोबाइल के अंदर जो हीट होगा तो बैटरी परफॉर्मेंस डाउन भी होगी। अब देखिए अब यहाँ बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर जाता हूँ, बैटरी रिस्क के ऊपर जाता हूँ। अब मेरी यूजर्स अगर आप देखेंगे बैटरी की तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं इसको मोबाइल में केवल यूट्यूब वगैरह या फिर व्हाट्सअप, एक आपका जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सअप के ऊपर, इसका हम यूट्यूबर्स का ग्रुप है उनके ऊपर बस ये यूज़ करता हूँ, ज़्यादा कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। बाकी मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ किया भी नहीं है। पबजी गेम को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, वीचैट वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। बाकी सिस्टम जो है एंड्रॉइड सिस्टम वही ज़्यादा बैटरी हमारा जो है डाउन करता है, जो कि 25.1% हमारी बैटरी डाउन कर देता है। अच्छा चलिए हार्डवेयर की बात करते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मेरा स्क्रीन ऑन टाइम कितना है, 1 hour 40 minutes and 33 seconds। अब देखिए यहाँ तक अगर मैं बात करूँ 1 hour 40 minutes तो मैंने आज पूरे दिन के अंदर 1 hour 40 minutes 33 seconds मोबाइल को यूज़ किया है, तो ठीक है यार उसमें आपको 32% बैटरी ही डाउन हुआ है। ठीक है अगर ऐसे देखा जाए तो 32 यानी कि करीब करीब आपको बैटरी बैकअप दे देगा 6 घंटे का मिनिमम आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है 6 घंटे का हमें बैटरी बैकअप मिल रहा है। हालांकि अगर पहले की अपडेट की बात करो तो उनमें 6 घंटे का बैटरी बैकअप हमें नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 6 घंटे का बैटरी बैकअप हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर ग्राफ भी देख सकते हैं, तो ग्राफ में अगर देखा जाए तो मोबाइल नेटवर्क सिग्नल है वो थोड़ा सा ज़्यादा खा रहा है हमारी बैटरी। बाकी जाके स्क्रीन ऑन टाइम वो भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ट्रैवल करने बाहर गया हुआ था तो वहाँ पे सिग्नल है वो अप एंड डाउन हो रहा था, इसलिए तो थोड़ा सा बैटरी सिग्नल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक देखने वाली बात है। बाकी अगर बात करें हैंग क्यों हो रहा है हमारा मोबाइल, रैम मैनेजमेंट किस तरह से है, बैटरी परफॉर्मेंस की मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि सारा जो अपडेट है, अपडेट आने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव की गई है। हालांकि हमें पहले की अगर बीटा वर्जन की बात करें या फिर MIUI 10 9 की बात करें तो उसमें हमें इतना खास बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता था, लेकिन इस अपडेट की मैं अगर बात करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो रैम मैनेजमेंट, हालांकि मैं एक 2GB वेरियंट यूज़ करता हूँ और एक 4GB वेरियंट यूज़ करता हूँ। हालांकि जो 4GB वेरियंट है वो मैं स्टेबल वर्जन के लिए यूज़ करता हूँ, तो स्टेबल वर्जन में कोई अपडेट आता है तो वो आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे बीटा वर्जन के लिए मैं केवल 2GB वेरियंट ही यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमें बिल्कुल पता चल पाए किस तरह आगे आने वाला अपडेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे रैम को क्लीन करता हूँ, सबको क्लीन करता हूँ, तो यहाँ देखिए हालांकि कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर 653 जो है MB जो फ्री मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि रैम मैनेजमेंट कुछ परसेंट अच्छा किया गया है, लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा ऐप रख लेते, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया फेसबुक मैसेंजर ये डाउन किया मैंने, और मैं जैसे कि ओपन करता हूँ इंस्टाग्राम, ये सब ओपन कर लिए मैंने, और कुछ ओपन और करके देख लेता हूँ, जैसे कि मी आई फोरम ये मैंने ओपन कर लिया, उसके अलावा आ जाता है मी कम्युनिटी ऐप, ये देखिए अब ये सारे ऐप मैंने ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको रैम, देखिए मोबाइल अभी से लैग करने लग जाता है, जो लैग है वो लैग तो करता ही है। हालांकि मैं अभी बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, देखिए कहीं ना कहीं लैग करने लग जाता है हमारा मोबाइल। तो यहाँ बैकग्राउंड में ऐप जो होते हैं करीब करीब आप 3-4 ऐप से ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड में रखेंगे आप, जैसे अगर आपने अगर फेसबुक को रख लिया बैकग्राउंड में, तो भाई साहब आपका तो जो रैम मैनेजमेंट वो एकदम घटिया होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वही जब बात मेरी बात समझिए कि अगर आप कुछ ज़्यादा ऐप्स रखते हैं बैकग्राउंड में तो वो घटिया है। हालांकि रैम मैनेजमेंट को जितना ज़्यादा
खराब भी नहीं है, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। लेकिन अगर रैम मैनेजमेंट आपका खराब होगा तो मोबाइल हीट होगा। अगर ना मोबाइल हीट होता है तो मोबाइल हीट होने के बाद आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो भी जल्दी डाउन होगा, तो आपका मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो गई होगा, सिंपल सी बात है। अब आपका ऐसा तो नहीं है कि आपको मोबाइल उड़ गया अच्छे से आप ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, वो तो डिस्चार्ज हो गई होगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे बैटरी थोड़े से एनिमेशन से वो थोड़ा चेंज कर दिए गए, जो आपको जो बैटरी का टाइम है वो भी थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा। आप देखिए कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि हमें बैटरी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन चल रही है बीटा वर्जन में। अब भाई बीटा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें बैटरी परफॉर्मेंस अगर डाउन मिल रही है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा उसको। ऐसी तो बात नहीं कि आप बीटा वर्जन में कोई सोल्यूशन निकल जाए, अब आने वाले अपडेट में ही कोई सोल्यूशन निकल पाएगा तो एक जानने वाली बात है। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है बीटा वर्जन तो फिर आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। बाकी अगर मोबाइल हीट होता है तो उसको एक बार रिसेट करके चेक कर लीजिए, शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखा जाए बीटा वर्जन में तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं लगा, बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है बैटरी परफॉर्मेंस। बाकी अगर हम बात करें बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर तो बैटरी फोन एकदम बढ़िया कर दी गई है। हालांकि जो MIUI 9 में हम यूज़ करते थे उससे तो खैर कई गुना बढ़िया कर दी गई है। बाकी आप आने वाले अपडेट्स के वेट कीजिए, उसमें भी आपको बहुत से कुछ अलग अलग अपडेट मिलने वाले, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह बहुत कुछ अलग अलग अपडेट मिल जाएंगे। तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।